जैसे हमने अपनी जर्नी, आप लोग राजकोट से आए, आप लोग राजकोट से आए बगोदरा, बगोदरा से आए आप सहरसा, तो मैंने जो बताया था ये वाला रोड आप लोगों के लिए हमेशा यही एंट्री रहने वाली है। अहमदाबाद से जो आएगा वो सेपरेट हाईवे बन रहा है। जब हम एयरपोर्ट गए थे तब हमने देखा था कि भाई इसका ये वाला बोलेरा जंक्शन जिसको बोल रहे हैं ये वाला पार्ट देखा था, प्लस ये जो आप पूरा मैप देख रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो इधर हमने एंट्री ली थी भाई। यहाँ से इसकी जो टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। अभी हम ये जो TP2A लिखा है अप्रोक्स इस एरिया में है, और इसमें मुंडी विलेज लगता है, और आधा पार्ट इसका दलेरा और दिल्ली आता है। तो हम लोग अभी 2A के पार्ट में, 2A और 4A के सब TP मिला के ये है जो इसका अभी लिखा है। अभी इस मैप को समझने के लिए आपको कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो कलर कोडिंग में समझना होगा कि भाई इंडस्ट्रियल का क्या है। पर्पल कलर जितना भी दिख रहा है वो सब इंडस्ट्रियल जोन रहेगा। इन्होंने क्या किया, जो 2009 में एक्ट बना, बट इन्होंने ना डिवाइड किए कि भाई जोन वाइज इसको अलग रखना है और एक स्मार्ट सिटी बनाना है तो रेसिडेंशियल अलग, कमर्शियल अलग, इंडस्ट्रियल अलग। तो इन्होंने जोन बनाए, लॉजिस्टिक जोन अलग है, सारे जोन अलग है, और सबसे बीच में जो आप देख रहे हैं उसको स्पाइन रोड बोला जा रहा है। 250 मीटर जो अपन बात कर रहे थे ये वाला है जो अभी जिस पर काम चल रहा है। तीन फेज में ये बनेगा, जिसमें से फर्स्ट फेज ये है। अपने को ये ऐसे जैसे सैंपल फ्लैट होता है, सैंपल डुप्लेक्स होता है, तो सैंपल TP है, ऐसे ही पूरा एंटायर दुलेरा बनने वाला है, इसी क्वालिटी से बनने वाला है। तो हमको जो देखना है, बाहर तो हमें बंजर भूमि दिख रही है आज भी, पहले ये भी था, हम लोग तो जब से काम कर रहे हैं आज तो ईजी है कि भाई ये दिखा के हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अभी आप समझो जब ये बना भी नहीं था तब हम उसको प्लानिंग दिखा के और दिखाते थे। आज तो आप बेसिकली आप है ना फील और टच कर सकते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ने बना दिया, इतनी अच्छी क्वालिटी से बना दिया। 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगा चुकी है। जो हाईवे बन के आ रहा है 3,600 करोड़ का अकेला हाईवे का प्रोजेक्ट है, जो कि आपका वहाँ से स्टार्ट हुआ अहमदाबाद से, ये 4 फेजों में बनना है और लास्ट विलेज जो है बबलियारी वहाँ तक इसका काम चलेगा। ठीक है, तो जोन हमें इससे समझ लें, ये मैप आप सबको मिल जाएगा लेकिन तो आप तो अच्छे से सीख पाओगे। मेन चीज़ इसमें समझने वाली है, टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, लेकिन इसमें कुछ जो पार्ट है वो वहाँ पे सोलर के लिए और ओपन एरिया के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि इसमें कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होती।